जी बिस्मिल्लाह करें जी। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कहो वो अल्लाह है यकता। अल्लाहु समद। कहो वो अल्लाह बेनियाज है सब उसके मोहताज। लम यलिद वलम यूलद। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद। वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और नहीं है उसका हमसर भी कोई। जी बहुत शुक्रिया जी। इब्राहिम भाई ने माशाल्लाह तिलावत कर दी। 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। 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 व आला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अगले पिच पे कैसे होगा आप करोगे? अच्छा सर, ये ना बुक है मिस्टर पाल ज़ेन पिल्ज़र। बुक मिस्टर पाल ज़ेन पिल्ज़र ना, तो ये इन्होंने एक बुक लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन। अभी मैं स्क्रीन शेयर हो रही है, पिक्चर में दिखा सकता हूँ करने। तो ये वाली बुक है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, द वेलनेस रेवोल्यूशन। तो इन्होंने बुक लिखी है, तो इनका तलक है यूएसए से। तो इनकी बुक से ना इनकी एक स्टेटमेंट है 2 पेज, तो 2 पेज हम ना स्टडी करने लगे। तो जिसमें वेलनेस के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी है हाउ टू मेक अ फॉर्चून इन नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है ये कौन सी है, ये वेलनेस रेवोल्यूशन है। तो पिछली दफा भी हमने वेलनेस रेवोल्यूशन के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। तो ये बुक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, किसी भी दोस्त को अगर चाहिए हो ना तो वो उसको मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ ना, कि वो अगर इस बुक को पढ़ना चाहे ना जी शेयर कर दे। अच्छा, ये हेडिंग है द वेलनेस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, सेहतमंदी की इंडस्ट्री का इनकलाब। जी शेयर कर दें। द वेलनेस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, सेहतमंदी की इंडस्ट्री का इनकलाब। ये स्क्रीन आप देख सक रहे हैं सब दोस्त? जी बिल्कुल जी, नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, डिड यू नो दैट वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अराउंड टुडे इज इन वेलनेस इंडस्ट्री? दैट भी को कॉल कर लेना। अच्छा, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है लुक्रेटिव माशी अपॉर्चुनिटीज जो है, जो हमारे आजकल हमारे इर्द गिर्द है, वो वेलनेस इंडस्ट्री है। कि सबसे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी, माली अपॉर्चुनिटी कि जिसमें माली फायदा ज्यादा होना, तो वो वेलनेस इंडस्ट्री है। आगे वो कहते हैं व्हाई, ऐसा क्यों है ना? बिकॉज एवरीवन वांट्स बेटर हेल्थ। क्योंकि हर आदमी ना अच्छी सेहत चाहता है। दे वॉन्ट टू लुक यंगर, वो जवान दिखना चाहता है। लिव longer और लंबी उम्र चाहता है। एंड एंजॉय लाइफ मोर एज देयर एज। अच्छा ये गलत। अच्छा एंड देयर एज, और वो अपनी उम्र से जो है वो जवान दिखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो है वो जवान दिखूं। एंड टुडे देयर आर प्रूवन थिंग्स दैट पीपल कैन डू टू फील बेटर। और आज जो है ये चीजें साबित हो गई हैं कि लोग जो है वो अच्छा फील करना चाहते हैं। ठीक है, लोग वो काम करना चाहते हैं कि जिससे जो है वो लोग अच्छा फील करें ना। जैसे अभी हम वॉक की बात कर रहे थे, तो वॉक भी जो है वो अक्सर आप लोग भी और बाकी दोस्त भी इसलिए करते हैं ताकि वो एक्टिव रहें, वो बीमारियों से बचे रहें, मेडिकेशन की तरफ ना जाना पड़े अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, लूज वेट ना, वेट कम करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिवेंट सिकनेस एंड डिजीज, और जो है वो बीमारी से बचना चाहते हैं, बीमार होने से बचना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं। लुक यंगर, जवान दिखना चाहते हैं। एंड फील स्ट्रॉन्गर इवन एज दे ग्रो ओल्डर, कि वो जवान दिखना चाहते हैं और मजबूत महसूस करना चाहते हैं, बेशक वो बूढ़े हो गए हैं ना। बेशक वो बूढ़े हो गए तो फिर भी वो चाहते हैं कि बंदा स्ट्रॉन्ग रहे, हर इंसान ये चाहता है। अच्छा, देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट आवर हेल्थ प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी।
तो अब जो है हमारे पास सेंसी जो है वो सबूत है कि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ये इनका जो ताल्लुक है ना, इनका जो ताल्लुक है वो कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से है कि वो हमारी जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो एक तो जो है कम्बिनेशन में, एक तो गजाई किल्लत है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी, और दूसरी जो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी है, मतलब दो चीजों का कम्बिनेशन है इस वक्त जो हेल्थ प्रॉब्लम जितने भी आ रहे हैं। तायर भाई आप इसके ऊपर जरा रोशनी डालें, तायर आजम साहब ना, ये कह रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी के ऊपर जरा प्लीज रोशनी डालें। इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी में तो एक जैसे आपसे ही हमने सीखा है कि पेस्टिसाइड्स हैं, एयर पोल्यूशन है, स्मोक है, मतलब ये सारी वो pollutions, all kind of pollutions. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, जी बिल्कुल सही फरमाए। 3G भी इसमें आता है, वाईफाई भी इसमें आता है, वाईफाई सिग्नल, इवन देन आपका मोबाइल रेडिएशन जितने भी हैं, टीवी की रेडिएशन है, मोबाइल की है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रही है ना टुवर्ड्स पोल्यूशन। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। कौन दोस्त कह रहा था, आप में से कोई दोस्त कह रहा था चाइना ने 5G ट्राई किया है, आप में से कोई दोस्त बता रहा था, तो क्या हुआ कि बर्ड्स जो है ना वो अभी तक तो वो रिपोर्ट तो है यूके में बड़ा एहतजाज भी हुआ है, वहां पे कुछ टावर्स भी उन्हें गिराए, लेकिन ये अभी मतलब है वक्त से पहले की बात है, कहते हैं कि शायद कोरोना भी फैला है अच्छी वजह से, लेकिन हैज़र्ड तो है, लेकिन ये कोई अभी प्रूवन बात नहीं है कि जिसको लेकर अभी कोई ऑथेंटिक, मतलब ITU एक इंडस्ट्री की जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, अभी उस सितारे की तरफ से इस पे कोई डिसीजन नहीं आया। अच्छा, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर, लेकिन मतलब है इवन देन रेडियो वेव भी आपके लिए नुकसान, एक्सरे सारी वेव जितने भी है ना, जी, जी, कुछ जी, कम जी, कुछ ज्यादा, लेकिन वो नुकसानदेह जरूर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये सारी टॉक्सिसिटी में आती है, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी में आती है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही फरमाया आपने। देयर इज आल्सो अ ग्रोइंग एप्रिसिएशन ऑफ द बॉडीज नेचुरल फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। अच्छा, तो देयर इज आल्सो अ ग्रोइंग एप्रिसिएशन ऑफ द बॉडीज नेचुरल फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट हेल्थ एंड वेलनेस। जी तैयार भी, इसका क्या मीनिंग होगा, इससे हम क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन तो होता है कमी होना ना, एप्रिसिएशन होता है अजाफा होना। देयर इज आल्सो अ ग्रोइंग एप्रिसिएशन ऑफ द बॉडीज नेचुरल फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट हेल्थ एंड वेलनेस। क्या अपनी सेहत में नेचुरल तरीके से ऐसी जैसी चीजें पैदा की जाए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और आप अच्छे लगे, आपकी जिस्मानी सलाहियतें जो है ना उनको सपोर्ट मिले और आपकी सेहत अच्छी हो और आप सेहतमंद रहें। बिल्कुल सही है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल ना, बिल्कुल सही है, नेचुरल जिस्मानी जो है कुदरती तौर पे आपकी जो सलाहियतें हैं ना वो बेहतर, उनको सपोर्ट किया करो जी, और उनको उनको बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए कुदरती तरीके से ना, बिल्कुल सही है। वेलनेस इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन गिविंग द बॉडी, वेलनेस इंडस्ट्री जो है इसकी बुनियाद ये है कि जिस्म को देती है व्हाट इट नीड टू सपोर्ट, जो इसकी जरूरत है ना, ऑप्टिमम हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, ये ज्यादा से ज्यादा हेल्थ की सपोर्ट करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती है, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री का जो है वो काम है ना कि ये सपोर्ट करती है। ट्रेडिशनली अगला स्क्रीन शेयर खत्म हो गई है जी। अच्छा, ट्रेडिशनली मोस्ट पीपल हैव बिलोंग टू सिकनेस इंडस्ट्री जी। ट्रेडिशनली मोस्ट पीपल हैव बिलोंग्स टू सिकनेस इंडस्ट्री जी, रस्मी तौर पे, रवायती तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो सिकनेस इंडस्ट्री से उनका तलक बन गया है, उनका उनका तलक जो है वो सिकनेस इंडस्ट्री से है, एज दे वुड ओनली टेक एन इंटरेस्ट इन देयर हेल्थ व्हेन दे वर अनवेल, कि वो सेहत में उसी वक्त बस इंटरेस्ट लेते हैं, तवज्जो लेते हैं कि जब वो बीमार पड़ते हैं। ठीक है, मतलब रस्मी तौर पे ऐसे ही है कि जैसे माशाल्लाह सियाल साहब लगे हुए या तायर भाई लगे हुए या सैफुल्ला भाई लगे हुए, तो आप जो है ना बीमारी से पहले जो है वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन
वो ये कह रहे हैं कि अक्सर लोगों की आदत ये है कि जब वो बीमार पड़ते हैं ना, डॉक्टर उनको कहते हैं ना, तो फिर वो जो है ना वो इसकी तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हेल्थ में जो है इंटरेस्ट लेते हैं. द फोकस ऑफ मेडिसिन इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज हैव रिवॉल्व अराउंड ट्रीटिंग डिजीज इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग द काज ऑफ इट. ना कि पिछली जो चंद सेंचुरीज है ना, उसके अंदर क्या हुआ है कि दवाइयों के ऊपर ना फोकस ज्यादा हो गया है ना पिछली सेंचुरीज के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने जो है बीमारियों का इलाज किया है बजाय इसके प्रिवेंटिंग द काज ऑफ इट, बजाय इसके कि बीमारी की जो काज है ना उससे बचने की बजाय लोगों ने उसके इलाज में जो है वो पड़ गए लोग ना. ये पिछली चंद सदियों में ऐसा हुआ है कि लोगों को ये चाहिए था कि वो प्रिवेंटिव मेजर करते, वो बीमारियों से बचते कि बीमारी होने की वजह क्या है, तो इसकी बजाय उन्होंने बीमारियों का इलाज जो है वो उसमें पड़ गए. तो ये इंसानों से ना गलती हुई पिछली चंद सदियों के अंदर. अच्छा, टुडे द वेलनेस इंडस्ट्री इज एट 500 बिलियन इन सेल. इस वक्त वेलनेस इंडस्ट्री की जो सेल हो गई है ना पूरी दुनिया की वो 500 बिलियन है. अब्दुल्ला अभी निकालो अभी कितनी सेल है वेलनेस इंडस्ट्री की, गूगल पे देखो. अच्छा, तो पहले 500 बिलियन सेल थी, अप टू फ्रॉम 200 बिलियन सेल्स इन 5 ईयर एगो. तो 5 साल पहले जो है कह रहे हैं कि 200 बिलियन जो है वो सेल थी 5 साल पहले, तो अभी मतलब 5 साल के बाद 500 बिलियन हो गई है, तो बहुत बड़ी सेल है. वेलनेस विल डबल अगेन टू 1 ट्रिलियन इन सेल इन नेक्स्ट 5 ईयर. तो वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा कि ये 1 ट्रिलियन को टच कर लेगी, वेलनेस की जो सेल है 1 ट्रिलियन को टच कर लेगी. अच्छा, वो हाँ पिछले 5 साल में 200 बिलियन थी और फिर अगले 5 साल में 500 हो जाएगी. अगले 5 साल में वो कह रहा है कि जो है वो पिछले 5 सालों में 200 बिलियन हुई और फिर अभी जो है 500 बिलियन हुई 5 साल के बाद, और अगले 5 साल के अंदर कह रही है डबल हो जाएगी, 1 ट्रिलियन को टच कर लेगी. अच्छा, तो जी 1 ट्रिलियन बोथ बाय इटसेल्फ एज अ काउंटर फोर्स ऑफ द टेरिबल इफेक्ट कास्ट बाय द 1.3 ट्रिलियन बैड फूड इंडस्ट्री. अच्छा, इसकी जो काउंटर फोर्स, इसके जो मुखालिफ जो चीज है वो क्या है, वो बड़ा ही एक जो है तकलीफ दे इफेक्ट है, और उसकी वजह जो बनी है वो बैड फूड इंडस्ट्री बनी है ना. बैड फूड इंडस्ट्री 1.3 ट्रिलियन को टच कर गई है, कि बैड फूड इंडस्ट्री जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गई है. बैड फूड इंडस्ट्री सर क्या है, कोई दोस्त इसकी वजाहत करे बैड फूड इंडस्ट्री क्या है. हारून भाई आप वजाहत करें, हारून ऋषि साहब. सर इसमें तो यही है कि ये जो फास्ट फूड है इसमें एक कंपटीशन आ गई है कि चंद फूड के अंदर मैक्सिमम कैलोरीज जो आप ले लेते हैं छोटी सी अमाउंट के साथ, तो मेरे ख्याल में इसको एक बैड फूड जो है वो कहा गया है. जी बिल्कुल सही है. वो सारी फूड जिसको प्रोसेस कर दिया गया है ना, मसल आप चिप्स खाते हैं, बच्चों को हम चिप्स देते हैं, हम बिस्किट देते हैं, ठीक है, तो ये सब ना ये सब बैड फूड इंडस्ट्री में आती है. तो इसको ना मीडिया ने बड़ा जो है वो, जहरी बात है मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट होती है, अब वो स्टिंग की अब बड़ा मतलब नौजवान बड़े शौक से पीते हैं स्टिंग ना, कि जी इसमें तो बड़ी एनर्जी है. तो ऐसी वो सारी खुराकें जिसको प्रोसेस कर दिया गया है तो ये बैड फूड इंडस्ट्री है ना. तो पिछली दिहाइयों के अंदर क्या हुआ है कि बैड फूड इंडस्ट्री जो थी ना इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, और इसकी सेल ना 1.3 ट्रिलियन को टच कर गई है, 1.3 ट्रिलियन, ठीक है, इसको टच कर. सर इसमें कार्बोनेटेड वाटर भी बहुत ज्यादा. माशाल्लाह जी, नसीब रहमान ताजिक भाई भी आ गए. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्बोनेटेड वाटर भी इसमें आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सारे सॉफ्ट ड्रिंक आ जाते हैं, जो भी प्रोसेस फूड है ना वो इसमें सारी आ जाती है, बैड फूड इंडस्ट्री. तो इसकी सेल 1.3 ट्रिलियन हो गई है पूरी दुनिया के अंदर. एंड द 2 ट्रिलियन सिकनेस इंडस्ट्री, और जो इलनेस इंडस्ट्री है ना इसकी सेल जो है वो 2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. इलनेस इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन इंडस्ट्री आती है सारी ना, स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है. अच्छा, जिसमें सारी जो है वो आती है सिकनेस इंडस्ट्री, इलनेस इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन वगैरह ये डॉक्टर वगैरह सारे आ जाते हैं, इसकी जो सेल है ये 2 ट्रिलियन डॉलर है. अच्छा, दिस मूवमेंट टुवर्ड्स वेलनेस इंडस्ट्री बिगेन स्लोली बट इट नाउ रैपिडली गेनिंग मोमेंटम. यहां तक पढ़ लेते हैं मोमेंटम. अच्छा, तो ये जो इसकी मूवमेंट है ना वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ,
वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जो मूवमेंट है ये बहुत ऐसा ऐसा जो है वो बढ़ रहा है ना, लेकिन ऐसे इसने ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी इसमें ना तेजी आ रही है, रैपिडली गेनिंग, ये ऐसा तेजी के साथ अब मोमेंटम पकड़ रही है ना, एक रफ्तार पकड़ रही है। क्यों रफ्तार पकड़ रही है, उसकी क्या वजह है? एज द इन्फ्लुएंट बेबी बूमर जनरेशन लीड्स द वे विद द कमिटमेंट टू रिटेनिंग देयर वेलनेस। अच्छा, तो उसकी क्या वजह, ये मोमेंटम क्यों पकड़ रही है वेलनेस इंडस्ट्री, उस इसके ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं दौलतमंद बेबी बूमर जनरेशन। ठीक है, बेबी बूमर जनरेशन जो है इसके ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं। तो बेबी बूमर क्या करें, बेबी बूमर जनरेशन इसके ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं, लीड द वे विद द कमिटमेंट और टू रिटेनिंग देयर वेलनेस। तो वो क्या चाह रहे हैं कि वो अपनी सेहतमंदी को जो है वो रिटेन करना चाह रहे हैं, सेहतमंदी को हासिल करना चाह रहे हैं, और उनकी सेहतमंदी के साथ जो कमिटमेंट है ना बेबी बूमर्स जनरेशन की ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, बेबी बूमर्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें, बेबी बूमर्स कौन है ना, तो बेबी बूमर्स जो है ये दे आर ट्रेंड सेटर्स ना, तो ये ना वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। तो इनके पास ना 76% वेल्थ है, पूरी दुनिया की जो वेल्थ है ना उनका 76% जो है वो बेबी बूमर के ऊपर है ना। ये आर्टिकल पढ़ने का मेरा एक मकसद ये भी था कि आप जो है एक तो आप खुद जान सके, और फिर दूसरा ये है कि आप अपनी ना आप अपने बच्चों को डायरेक्शन दे सके, मतलब आपको पता चले कि आपने अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में जो है वो लेके जाना है, इस वक्त कौन सी इंडस्ट्री जो है वो राइस की तरफ जा रही है। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारी फैमिली में क्या हुआ जी, हर कोई MBA कर रहा है, कोई CA कर रहा है, कोई BCOM कर रहा है, तो क्या है कि BCOM का ट्रेंड ना, सब BCOM कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जी एकदम ट्रेंड चेंज हुआ, तो अब फैमिली में क्या कर रहा है जी, सब IT कर रहे हैं, IT, हर कोई कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, क्यों जी BCOM, और इनकी सैलरीज पहले ये होता था कि इनको जॉब मिल जाती थी। तो अब हमारी फैमिली में जो ट्रेंड है वो IT का है कि हर बच्चा ना IT की तरफ जा रहा है जी, आराम से सॉफ्टवेयर। तो अब जो नेक्स्ट ट्रेंड है ना, तो नेक्स्ट ट्रेंड किसका ट्रेंड है, वेलनेस का है। तो मतलब एक मकसद ये भी है कि आपको पता चले कि आने वाला जो ट्रेंड है ना, नेक्स्ट जो बिलियनियर बनने जा रहे हैं वो वेलनेस से बनने जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को वेलनेस की तरफ डायरेक्शन दे सके। आपसे कोई बच्चा नौजवान मशवरा मांगे तो मुझे बताएं मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो आप उसे वेलनेस का मशवरा जो है दे सके। और वेलनेस क्या है, इसको हमने पिछली दफा पढ़ लिया था हमने ना, ठीक है, जिसमें जिम भी आ जाते हैं, जिसमें जो है हेल्थ केयर इक्विपमेंट आ जाती है, हेल्थ केयर डिवाइसेस आ जाती हैं, फूड सप्लीमेंट आ जाते हैं, ठीक है, और हमारे जो है वो डाइटरी बैलेंस सप्लीमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ये वेलनेस, फिर ब्यूटी के सारी इसमें आ जाती हैं, ब्यूटी क्लिनिक सारे आ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर इसके अंदर आ जाते हैं वेलनेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है वेलनेस के अंदर जो है वो आ जाती है। अच्छा, तो अब बेबी बूमर के ऊपर थोड़ी सी बात कर ले। बेबी बूमर जो है ये एक फ्लॉक है, एक ग्रुप है बच्चों का जो पैदा हुआ दूसरी जंगे अजीम के बाद ना, तो ये पैदा हुए 1946 से लेके 1964 के दरमियान ना, 1946 से लेके 1964 के दरमियान, तो ये एक फ्लॉक पैदा हुआ दूसरी जंगे अजीम के बाद। तो ये जब छोटे थे तो क्या हुआ, इन्हें टॉयज चाहिए था ना, खिलौने चाहिए थे, टॉयज की इंडस्ट्री ने जन्म लिया। ये बड़े हुए, इन्हें कपड़े चाहिए थे, गारमेंट्स इंडस्ट्री ने जन्म लिया, गारमेंट्स इंडस्ट्री को बूम मिला। फिर ये और जवान हुए तो इन्हें ऑटोमोबाइल चाहिए थी, गाड़ियां चाहिए थी, ऑटोमोबाइल ने जन्म लिया। फिर ये और बड़े हुए, इन्हें घर चाहिए था, तो रियल स्टेट ने जो है वो बूम आया पूरी दुनिया के अंदर। तो इनके पास, मैंने कहा बेबी बूमर जो है इनके पास ना 76% वेल्थ है। तो जो बेबी बूमर करते हैं दुनिया को वो मजबूरन करना पड़ता है, जिस तरफ इनका रुख होता है वो इंडस्ट्री उठ जाती है। तो इस वक्त जो है ये जो है अमेरिका का जो सदर है ये भी बेबी बूमर में आता है ना, ये बेबी बूमर की फ्लॉक है। बिल गेट जो है बेबी बूमर की ग्रुप में है। तो अब इनका जो इनको जो चाहिए, इनको क्या चाहिए, अब इनको चाहिए ऐसी चीजें जिससे इनकी जो बुढ़ापा है ना वो प्रोलोंग हो सके और ये जवान दिख सके। तो बेबी बूमर को इस वक्त वेलनेस चाहिए, उनको उनको ऐसी चीजें चाहिए जिससे वो अपने आप को फिट रख सके। तो इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है कि वेलनेस इंडस्ट्री अगले चंद सालों के अंदर, बल्कि इसने अपने राइज को टच कर लिया है, इस साल पिछले साल कर लिया है, और इस साल कह रहे हैं कि ये ना 1 trillion को जो है टच कर लेगी। ये बुक पुरानी लिखी हुई है, इसने 1 trillion की फिगर को क्रॉस कर लिया है ना।
तो 1 ट्रिलियन जो है ये एक ऐसी फिगर है ना कि 1 ट्रिलियन की फिगर को जो भी इंडस्ट्री टच करती है तो उसको कहा जाता है ये एक ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन गई है, ये मतलब ऐसी प्रोडक्ट बन गई है जिसकी सोसाइटी को ना मतलब जरूरत है, सोसाइटी में उसकी ना डिमांड है। तो 1 ट्रिलियन को जो है एक जो है संगे मील जो है वो दुनिया समझती है, पूरी दुनिया की जिसकी भी सेल 1 ट्रिलियन को पहुंचेगी ना तो वो नीड ऑफ द सोसाइटी जो है बन जाती है। तो अब जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है ना इसको टच कर लिया है या टच करने जा रही है। अच्छा तो अब बेबी बूमर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बेबी बूमर दे आर द ट्रेंड सेटर ना, देयर कमिटमेंट इज टू प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंट इल हेल्थ एंड डीजनरेटिव एंड ऑटो इम्यून डिजीज ना। अच्छा तो इनकी कमिटमेंट क्या है, इनकी कमिटमेंट ये है कि ये ना ये प्रोएक्टिव है, ये मतलब वक्त से पहले, वक्त प्रोएक्टिव है, वक्त से पहले काम को करना ना, ये प्रोएक्टिव है और ये बचाना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं इल हेल्थ, ये बीमार नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि बीमारी से पहले हम इसका ना तदारुक करें। और डीजनरेशन है लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस ना, कि बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसमें कोई नुकसान ना हो, उसका कोई नुकसान, टिश्यू का नुकसान ना हो। और ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज को हमने पढ़ा था, कौन दोस्त एक्सप्लेन कर देगा ऑटोइम्यून डिजीज को, हमने 2 क्लासें पहले पढ़ा था ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है। हेलो आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, ऑटोइम्यून डिजीज को कोई भी दोस्त एक्सप्लेन, ऑटोइम्यून डिजीज में क्या हमने पढ़ा था ना, इम्यून सिस्टम के 3 फंक्शन हमने पढ़े थे और एक ये हुआ था हमने पढ़ा था कि ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है ना, वो दोस्त बता सकेगा सियाल साहब, ताहिर भाई ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है? मतलब अगर आपका जिस्म ना किसी मतलब ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दे। यस यू आर राइट, बिल्कुल सही फरमाया था अरबी। हाँ। वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसका काम है बीमारियों के खिलाफ लड़ना, तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो झल्ला हो जाता है ना, वो बावला हो जाता है, जिस तरह अल्लाह माफ करे कुत्ता बावला हो जाता है, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम ना बावला हो जाता है, झल्ला हो जाता है, तो वो क्या करता है वो बजाय इसके कि दुश्मन को मारे वो आपके अपने ऑर्गन को खाना शुरू कर देता है, वो अपने आप इंसानी जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है ना। तो और ये ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था, ये इस वजह से होती है, ये जो है खास तौर पे एलोपैथी मेडिसन जो इम्यून को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है एक अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, मतलब एक एक लिमिट है इम्यून सिस्टम की, उस लिमिट से ना वो आगे चला जाता है, ठीक है, तो आगे जब चला जाए तो फिर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पागल हो जाता है और वो आपकी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये क्या चाह रहे हैं जो बेबी बूमर है, ये चाह रहे हैं कि हेल्थ इलनेस इल हेल्थ से बचा जाए और ऑर्गन की डीजनरेटिव जो है वो उसके अंदर ना हो, टिश्यू और सेल्स के अंदर, और ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह जो है ना हो, रेदर देन वेटिंग अंटिल देयर ऑनसेट एंड ट्रीटिंग द सिम्टम्स, ठीक है, और हम जो है इंतजार ना करें उस वक्त तक कि जब तक कोई बुरे इफेक्ट शुरू हो और फिर सिम्टम को ट्रीट करना पड़े, मतलब ये नौबत ही ना आए ना, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही हम सब चीजों का जो है वो बंदोबस्त करते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम ना हम बीमार की कंडीशन में ना पहुंचे, हम सब हेल्दी की कंडीशन में ही चीजों को कवर कर लें, मतलब हमने वो पढ़ा था ना ग्राफ के दुनिया में 5% लोग जो है वो सेहतमंद हैं और 75% जो है वो सब हेल्दी हैं और 15% बीमार हैं, तो ये चाह रहे हैं कि हम 15% में जाएं ना बल्कि सब हेल्दी में भी ना जाएं, तो हम उससे पहले ना प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कर लें, तो बेबी बूमर ये चाह रहे हैं। जी नेक्स्ट पेज कर दे। अच्छा तो अभी ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी तो आपने दोबारा उसी लिंक को ना क्लिक कर लेना है। अच्छा एज द बेबी बूमर रीच देयर 60s ना, तो बेबी बूमर्स जो है अपनी 60s में पहुंचे, वेलनेस इज बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर, तो जैसे ही बेबी बूमर जब 60 साल में पहुंचे थे ना तो वेलनेस जो है वेलनेस बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट मोर, वेलनेस में ना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो होना शुरू हुई ना, मोर ऑफ अवर पॉपुलेशन इज टर्निंग टूवर्ड्स, और बहुत ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन थी ना इसकी तरफ ना उसने मूव करना शुरू किया, एंड वाइल द इन्वेस्टमेंट इज अफोर्डेबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन, और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी कि हर बंदा ना उसको अफोर्ड कर सकता था, द डिविडेंड्स आर प्राइसलेस, और जो उसके फायदे थे ना वो प्राइसलेस थे, वो अनमोल थे, ठीक है,
वो अनमोल थे। तो हम भी जो है वो वेलनेस को डील कर रहे हैं ना, हमारी जो कंपनी है टाइम्स, ये वेलनेस को डील कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम भी इस इबारत के ऊपर पूरा उतरते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है ना, और लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो प्राइस है वो जो है वो मतलब नाकाबले, वो काउंटलेस है, ठीक है। सो हाउ डज वन टैप इन टू द वेलनेस इंडस्ट्री, कोई भी आदमी वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे आ सकता है? देर आर मेनी वेज डेट पीपल कैन टैप इन टू दिस एक्सप्लोडिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे तरीके हैं कि लोग जो है इस एक्सप्लोर, तेजी से बढ़ने वाली जो फटने वाली इंडस्ट्री है, इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं। बट द वन डेट हैज द मोस्ट पोटेंशियल इज द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल वाला जो बिजनेस है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है कि आप क्या करें, आप वेलनेस का ना नेटवर्क बनाएं, मतलब वेलनेस को आप खुद स्टडी करें और उसके बाद वेलनेस प्रोडक्ट जो है, हमारी प्रोडक्ट वेलनेस प्रोडक्ट कहलाती है ना। तो अभी बहुत सारी कंपनियां दुनिया में बन गई हैं, तो आप जो है उसके थ्रू जो है वो आप इसका पोटेंशियल जो है वो इंजॉय करें। आल्सो नोन एज वन टू वन मार्केट, और इसको ना वन टू वन मार्केट भी कहा जाता है ना। तो वन टू वन मार्केटिंग, वन टू वन सेल, वन टू वन एजुकेशन, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे महंगी एजुकेशन है ना, जो कि पुराने दौर में सिर्फ ना किंग जो थे ना, बादशाह, तो उनके जो बच्चे होते थे वो अफोर्ड कर सकते थे। और अभी भी ऐसा ही है कि वन टू वन, अगर आप चाहें बच्चे को वन टू वन एजुकेशन देना, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन है। तो ये हर बंदे का बस का काम नहीं है कि वो अपने बच्चों को वन टू वन एजुकेशन जो है वो दिलवा सके ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इस हमारा जो बिजनेस है, इसको वन टू वन एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वन टू वन एजुकेशन होती है। इसको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और व्हाई डज दिस हैव सो मच पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल क्यों है, इसकी क्या वजह है? बिकॉज यू हैव अ कंप्लीट लाइन ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट, कि आपके पास ना मुकम्मल लाइन होती है वेलनेस प्रोडक्ट की, ऑलरेडी मेड ना, जो उन्होंने पहले से किया होता है। ऑल यू हैव टू डू इज मार्केट देम, बस आपको क्या करना है, आपको बस उनको मार्केट करना है ना। तो फिर आगे है, द स्टार्टअप कास्ट इज वेरी लो, इसकी स्टार्टअप कास्ट बहुत कम है, मोस्ट हैव अ स्टार्टअप कास्ट अंडर $100, कहते हैं बहुत सारी कंपनियों की तकरीबन $100 के करीब स्टार्टअप कास्ट है ना। इसमें लो रिस्क एंड फ्लेक्सिबल, बहुत इसमें रिस्क बहुत कम होता है और ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, नो ले ऑफ से।